शहर में बारिश के मौसम में सांप काटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं सांप के काटने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। आपको बता दें कि चाजमऊ थाना क्षेत्र के मनोहर नगर के रहने वाले सगे भाई फैजान और फैजू दोपहर घर से खेलने बाहर निकले थे, तभी वहां बनी झोपड़ी से निकले सांप ने उन्हें काट लिया। वहीं पड़ोसी दोनों भाइयों को पहले ओझा के पास ले गए, उसके बाद निजी अस्पताल में पहुंचने में हुई देरी के कारण दोनों की रास्ते में ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मृत भाइयों के पिता मोहम्मद अंसार पल्लेदारी का काम करते हैं। वह सुबह काम पे चले गए थे और उनकी मां घरों में काम करती है। वह भी उस वक्त घर पे नहीं थी। जिस समय यह घटना घटी तो मौके पर सिर्फ पड़ोसी ही मौजूद थे। आनन फानन में पड़ोसी दोनों भाइयों को पहले घर के पास रहने वाले ओझा के पास ले गए। वहां बात ना बनने के बाद निजी अस्पताल ले गए, जहां उन्हें कांसीराम अस्पताल में रेफर कर दिया गया। कांसीराम अस्पताल पहुंचते ही वहां के डॉक्टरों ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर ओपी राय का कहना है कि दोनों के शरीर में जहर काफ़ी फैल चुका था। साथ ही अस्पताल लाने में भी परिजनों ने काफ़ी देर कर दी थी, जिसके वजह से हम दोनों को नहीं बचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।